इस मूवी में हम 17 साल की जेसी को देखेंगे जिसके डैड उसके ही साथ घपाघप करते हैं और उन दोनों को ऐसा करते हुए जेसी का भाई भी देख लेता है। फिर इन तीनों के बीच में क्या क्या होता है ये हम आगे मूवी में देखेंगे। मूवी के स्टार्ट होते ही हम टॉम नाम के लड़के को देखते हैं जो जेसी का भाई होता है। इस फैमिली में ये चार लोग हैं लेकिन टॉम हमेशा उदास रहता है। टॉम की मॉम प्रेग्नेंट है, अचानक से उन्हें पेन होने लगता है। फिर ये सब मिलकर उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं लेकिन रास्ते में कार का एक्सीडेंट हो जाता है और टॉम की कार में ही एक बच्चे को जन्म देती है जो कि एक बेटी होती है। इसके बाद ये लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, तभी उन दोनों के डैड उन दोनों को अंदर बुलाते हैं। कुछ टाइम के बाद जेसी अपने डैड के साथ बाहर जाती है, पीछे पीछे टॉम भी उनके साथ जाता है। घर आने के बाद जेसी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी, उसके डैड आते हैं, तब उसका बात करने का तरीका बदल जाता है। इसके बाद वो अपने भाई को जगाती है और उसके साथ खेलने लगती है। कुछ टाइम के बाद उनकी मॉम छोटी सी बच्ची को लेकर घर आती है, ये दोनों उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जेसी की फ्रेंड लूसी यहाँ पर आती है। टॉम और लूसी एक दूसरे को देखकर अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसके बाद लूसी उन दोनों की मॉम से मिलती है। टॉम की मॉम लूसी को उसके गीले कपड़े बदलने के लिए कहती है। लूसी के साथ टॉम भी दूसरे कमरे में जाता है। वहाँ पर लूसी टॉम के पास आकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है लेकिन चूतिया टॉम उसके इशारों को समझ नहीं पाता और वो इशारे देते ही रह जाती है। इसके बाद हम देखते हैं एक दिन टॉम अपनी मॉम के साथ मार्केट से घर पर आता है। घर का दरवाजा लॉक था, वो दोनों आवाज लगाते हैं लेकिन कोई भी आवाज नहीं सुनता। टॉम पीछे से जाकर विंडो से कुछ ऐसा देख लेता है जिस पर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। इसके बाद घर का दरवाजा खुलता है और वो धीरे धीरे घर के अंदर आता है। फिर वो एक कमरे में जाता है जहाँ पर जेसी बिल्कुल नंगी बैठी हुई थी और जेसी टॉम से कहती है तुम्हें क्या हुआ। तब टॉम कहता है मैंने तुम्हें डैड के साथ घपाघप करते हुए देखा था। जेसी बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस अपने रूम में नहा रही थी तभी डैड यहाँ पर आ गए। टॉम कहता है लेकिन मैंने तो कुछ और ही देखा था। इसके अगले सीन में हम देखते हैं सब लोग क्लब में होते हैं और वहाँ पर जेसी सबके सामने अपने फ्रेंड के पास जाती है। वहाँ पर टॉम भी आ जाता है और उसे पता चलता है ये लोग समुद्र के किनारे जाने वाले हैं और वो भी साथ चलने की रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद उन दोनों के डैड टॉम से कहते हैं तुम अपनी बहन का ख्याल रखना। फिर जेसी अपने बॉयफ्रेंड और टॉम के साथ समुद्र के किनारे जाती है, वहाँ पर ये लोग मिलकर आग जलाते हैं। इसके बाद जेसी टॉम से कहती है तुम यहीं पर बैठो, हम दोनों घूम कर आते हैं। टॉम पूरी रात उन दोनों का वेट करता है लेकिन वो दोनों नहीं आते। फिर अगली सुबह जेसी का बॉयफ्रेंड दोनों भाई बहन को उनके घर पर छोड़ता है। टॉम अपनी बहन जेसी से कहता है तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम पूरी रात कहाँ थी, तुम तो अपने बॉयफ्रेंड और डैड दोनों के साथ घपाघप करती हो। टॉम की ये बातें सुनने के बाद इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। जब ये दोनों घर के अंदर जाते हैं तब उन दोनों के डैड जेसी पर बहुत गुस्सा करते हैं, तुम्हें रात में ही वापस आ जाना चाहिए था। इसके बाद वो टॉम को रूम के अंदर भेज देते हैं और जेसी के साथ लड़ने लगते हैं, तभी जेसी की मॉम आकर उसे बचाती है। इसके बाद जेसी अकेले ही समुद्र के किनारे आकर बैठ जाती है, तभी वहां पर टॉम आता है और फिर ये दोनों घर पर आ जाते हैं। इसके बाद टॉम देखता है उसके डैड फोन पर किसी से बात कर रहे हैं, वो चुपके से उनके कमरे में चला जाता है और वहाँ पर उसे एक सीक्रेट का पैकेट मिलता है और साथ में ही एक बैग मिलता है जिसमें कुछ फोटोज होती हैं जिसमें उसके डैड लूसी और जेसी के साथ घपाघप कर रहे थे। फिर वो जेसी से कहता है मैं ये सब कुछ मॉम को बता दूंगा, क्या तुम भी मेरे साथ और लूसी के साथ ये सब करना चाहते हो। टॉम उससे कहता है लेकिन ये फोटो मेरे पास ही रहेगी। इसके अगले सीन में हम देखते हैं टॉम देखता है जेसी और उसके डैड कहीं पर जा रहे हैं, वो भी उनके पीछे जाता है और विंडो के पास कैमरा लगा देता है। यहाँ पर वो देखता है जेसी रो रही है और उसके डैड उसके साथ घपाघप कर रहे हैं। ये देखकर टॉम को बहुत बुरा लगता है और वो कैमरा हटाकर नीचे फेंक देता है। फिर वो जेसी से कहता है मैंने तुम्हें और डैड को फिर से घपाघप करते हुए देखा। ये सुनकर जेसी रोने लगती है और लाइटर जलाकर अपने आप को हर्ट करना शुरू कर देती है। टॉम जेसी से कहता है तुम्हें इसके बारे में मॉम को बताना चाहिए और इस सबसे बाहर निकलना चाहिए, मैं और डैड कल लंदन जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हें वहां पर अच्छा लगेगा। टॉम को ये सुनकर गुस्सा आता है क्योंकि जेसी उसकी बात नहीं सुन रही थी, इसलिए वो वहां से उठकर चला जाता है और जेसी फिर से रोने लगती है। इसके अगले दिन हम उन तीनों को लंदन में देखते हैं जहाँ पर जेसी अपने फ्रेंड कोरेल से मिलती है। जब टॉम कोरेल के साथ अकेला होता है तब कोरेल उसे सेड्यूस करने लगती है, तभी अचानक से जेसी वहाँ पर आ जाती है और वो उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेती है। इसके अगले सीन में हम टॉम को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर टॉम की मॉम उसे उठाती है और वो उसे कहती है तुम्हारी बहन की तबीयत बहुत खराब है और उसे अस्पताल लेकर जाना होगा। इसके बाद सब लोग गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल जाने लगते हैं। यहाँ आने के बाद टॉम की छोटी बहन की तबीयत ठीक हो जाती है। इसके बाद टॉम के डैड और टॉम जेसी को घर पर वापस जाने के लिए बोलते हैं। घर जाते हुए रास्ते में जेसी रोने लगती है क्योंकि वो अब इन सब से परेशान हो चुकी थी। इसके बाद टॉम फिर से अस्पताल में जाता है और वो अपने मॉम को ये बोलता है इस बच्चे को डैड से दूर रखना क्योंकि वो सही इंसान नहीं है। जब टॉम अपने घर पर पहुंचता है तब उसके डैड उससे पूछते हैं तुमने अपनी मॉम से क्या कहा, जिस पर टॉम गुस्से में ये बोलता है मैंने आपको और जेसी को एक साथ घपाघप करते हुए देखा था। ये सुनने के बाद वो टॉम को मारने लगते हैं। इसके बाद वो जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं ताकि वो अपनी वाइफ को मना सके। इधर घर में जेसी टॉम से पूछती है
उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई। इसके बाद ये दोनों भाई बहन एक साथ सो जाते हैं। रात में टॉम के फादर घर पर आते हैं और वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। टॉम किचन से चाकू लेकर उनके पास आता है, तभी वहाँ पर जेसी भी पहुँच जाती है। वो टॉम से कहते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और जो कुछ भी तुमने देखा वो अपने मन से बनाया है। तभी जेसी यहाँ पर आकर अपने डैड से कहती है, टॉम जो कुछ भी कह रहा है वो बिल्कुल सच। लेकिन इन दोनों के डैड ये मानने को तैयार नहीं थे, जिस पर टॉम को बहुत गुस्सा आता और वो अपना लाया हुआ चाकू अपने डैड को मार देता है और उन्हें चाकू मारकर यहाँ से जाने लगता है। इसके अगले दिन हम टॉम को उसी खंडर में देखते हैं, तभी वहाँ पर जेसी भी पहुँच जाती है और वो यहाँ आकर दरवाजा बंद कर देती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।